अल्मोड़ा के 53 प्राथमिक स्कूल हो सकते हैं बंद। शिक्षा विभाग ने लिया फैसला, 10 बच्चों के कम वाले स्कूलों पर खतरा। सितारगंज के सीआरएल रबर फैक्ट्री में मशीन की सफाई करते वक्त नीचे गिरा कर्मचारी, घायल कर्मचारी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, 3 महीने पहले से ही हुई थी शादी। रुद्रपुर चीनी मिल के कर्मचारियों का 7वें दिन भी धरना जारी, प्रधान प्रबंधक के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, 3 महीने से वेतन न मिलने से धरने पर है कर्मचारी। हल्द्वानी के नैनीताल में शुरू हुई फर्स्ट स्नूकर चैंपियनशिप, देश के कई बड़े बड़े स्नूकर ले रहे हिस्सा, प्रदेश के स्नूकर प्लेयरों में खुशी की लहर। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में छात्र संख्याओं में कमी के चलते शासन और शिक्षा विभाग ने अल्मोड़ा के 53 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया है। 1 अप्रैल से जनपद से 10 छात्रों से कम संख्या वाले 43 प्राथमिक विद्यालय और 10 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। बंद किए गए स्कूलों के छात्र छात्राओं को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। पॉलिसी के तहत जो है हमारे जनपद में 43 प्राथमिक विद्यालय जो हैं बंद होने की स्थिति में है और 10 जो हैं वो उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद होने की स्थिति में। कारण क्या है इनके? इनमें छात्र संख्या बहुत न्यून है और कई सालों से न्यून रह रही है, इसलिए जो है 10 या 10 से कम वाले जो छात्र वाले स्कूल हैं उनको बंद करके और जो छात्र हैं उनको नियर बाई स्कूल में जो है प्रवेश कराने का संकल्प लिया गया। और आपको बता दें कि अल्मोड़ा में 53 प्राथमिक विद्यालयों को अब बंद किया जाएगा। जिन विद्यालयों में 10 से कम संख्या में बच्चे हैं उन विद्यालयों पर ये संकट मंडरा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता दीपक सिंह। दीपक, बताया जा रहा है अल्मोड़ा के 53 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है, आखिर क्यों बंद किया जा रहा है इन स्कूलों को? देखिए, अल्मोड़ा के जो 53 प्राथमिक विद्यालय हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इन विद्यालयों को बंद करने का शिक्षा विभाग ने और शासन ने निर्णय ले लिया है। तो कुल मिलाकर के जो 43 प्राथमिक विद्यालय हैं और 10 जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इन विद्यालयों पर 1 अप्रैल के बाद से ताला लटक जाएगा। दरअसल यह है कि जो बहुत सारे स्कूल इस पर चयनित किए गए थे जिनकी संख्या 10 से कम थी, तो 53 स्कूल ऐसे मिले हैं जिनकी जो छात्र संख्या है 10 से कम है और यहाँ पर कुछ जो शिक्षक हैं उनको पेमेंट देने में सरकार को कहीं ना कहीं अधिक भार पड़ रहा है, तो इन स्कूलों को बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया गया है। शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों का चयन किया है और 1 अप्रैल के बाद इन स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। और दीपक, इन स्कूलों में अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उन्हें फिर किसी अन्य स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा और इन स्कूलों में जो कार्यरत शिक्षक है उनका क्या होगा फिर? जी बिल्कुल, जो जो इन स्कूलों में जो शिक्षक हैं या फिर जो छात्र छात्राएं हैं उन छात्र छात्राओं और शिक्षकों को जो पास के स्कूल हैं उन स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग ने यह भी चयनित कर लिया गया है कि जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है उनके पास में जो भी प्राथमिक विद्यालय पढ़ेंगे उन विद्यालयों में इन बच्चों को समाहित कर दिया जाएगा, जबकि जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो शिक्षा विभाग अपने स्तर से करेगा। धन्यवाद दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि अल्मोड़ा के ऐसे 53 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है जिनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या महज 10 या उससे कम है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में खासी नाराजगी है। कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही है। वहीं देहरादून के अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ ने भी इस फैसले पर कोर्ट को पुनर्विचार करने की अपील की है। शिक्षक संघ के मुताबिक एक्ट में इस तरह का संशोधन किया गया तो यह एक्ट औपचारिकता मात्र रह जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और एक तरह से एक्ट को निष्प्रभावी किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर अत्याचार हो और हम सहते रहें और हमें दर्द का एहसास हो रहा है
और हम दर्द को बता भी ना सकें, बयां भी ना कर सकें, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मात्र दो जजेज के द्वारा इतना बड़ा निर्णय ले लिया जाए और भारत की संसद उस पर कुछ इसके ऊपर हो सकता है। और जैसा कि दिल्ली में भी 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया, 4 अप्रैल को संसद और राष्ट्रपति भवन की ओर भी हमारे साथी, हमारे समाज, हमारे शिक्षक जो है कूच करने वाले हैं। तो ये एक भारत में जो है बहुत बड़ा चुनौती का समय है सरकारों के लिए भी, अगर वो इस वर्ग की अनदेखी करती है। उत्तराखंड में मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्य सचिव उत्पल कुमार, गढ़वाल कमिश्नर दलीप जावलकर और जिलाधिकारी मंगेश धिड़ियाल ने केदारनाथ पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया। सीएस ने साफ किया कि ग्रीष्मकाल में केदारपुरी में भेड़ बकरी पालन में लगे लोगों का पूरे क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। भ्रमण के दौरान सीएस ने सरस्वती घाट निर्माण के दौरान इर्द गिर्द फैल रहे मलबे को भी साफ करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग के तत्वावधान में स्कूली छात्राओं को जिला कार्यालय और विकास भवन का निरीक्षण करवाया गया। इस दौरान छात्राओं को बताया गया कि किस तरह जिले की योजनाएं तैयार की जाती हैं। ये सभी छात्राएं दूरस्थ क्षेत्र जखोली के हैं। आज हमें जाकेश्वर शिक्षण संस्थान के द्वारा हमें डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में लाया गया और हमें यहाँ, जिसका हमें पहले से पता नहीं था कि कौन अधिकारी कहाँ बैठता है और क्या कार्य और क्या क्रियाकलाप करता है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी इसके जाकेश्वर शिक्षण संस्थान के द्वारा दी गई। और आज हमें यहाँ रुद्रप्रयाग में कृषि उद्यान और ऐसे ही कई प्रकार के कृषि उद्यान जैसे विभागों से मिलाया गया और हमें ये बताया गया कि यहाँ किस तरह का क्रियाकलाप होता है, और आज हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। देखिए, इस तरह की पहल, ये बहुत ही प्रशंसनीय पहल है जो आपके द्वारा की गई है। देखिए, अभी से यदि हम बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम की बात करते हैं, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपका कोर्स है उसके अलावा कुछ सीखने की बात करते हैं, तो इसमें बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के लाइफ में। और बच्चों का जीवन, यदि उनको सकारात्मक माहौल मिलता है, सारी चीज़ें उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से मिलता है, तो उनको अपना जो भी आगे करियर बनाना है उस दिशा में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मुझे किस दिशा में जाना है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के आवास विकास स्थित ग्रीनवुड कंपनी के मॉल निर्माण के दौरान कंटेनर के नीचे दबने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, तो वहीं जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने तत्काल घटना के मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए थे, जहां घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान जांच टीम को कंपनी की लापरवाही के कई सुराग हाथ लगे हैं। तो वहीं निर्माण कार्यों में भी कंपनी द्वारा कई मानकों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो इसके मुख्य ठेकेदार थे और अन्य लोगों के खिलाफ हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया है 304 में। और यहाँ पर जो घटना हुई है, काफ़ी बड़ा एक कंटेनर था जिसमें साफ लग रहा है कि काफ़ी लापरवाही की स्थिति रही है और उसके नीचे 3 मजदूर लेटे हुए थे और उस कंटेनर के ऊपर से काम किया जा रहा था, कंटेनर जिससे स्किड हुआ है और वो नीचे दब करके मर गए हैं। पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है, उसमें हम बाकी लोगों की इन्वेस्टिगेशन में जिन जिनके और के नाम आ गए हम उनको भी पकड़ के बताया जा रहा है। केवल मुंशी पर कार्रवाई हुई है, ठेकेदार या मालिक को बचाया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने बताया आपको, और अन्य लोगों के खिलाफ भी लिखा हुआ है मुकदमा, लेकिन जिसका जिस अनुपात में जिम्मेदारी होगी उस अनुपात में वो जेल जाएगा। बेली प्रोजेक्ट नाम से ये नक्शा इसका पास है, परमिशन है, खुदान की ही परमिशन है। इसके 2 अलग अलग साइट हैं, एक कार्य निर्माण स्थल की साइट है, दूसरा एक मिक्सिंग प्लांट की साइट थी। मिक्सिंग प्लांट में कल वो हादसा हुआ, जो कंटेनर में सीमेंट रखा जा रहा था वो गिरा है और उसमें दबकर 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है, एक दुखद घटना है। दोनों साइड का निरीक्षण किया गया है, क्योंकि अभी निर्माण का इनिशियल स्टेज पर है तो उसको भी हम दिखवाएंगे और किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई और इसमें इसके लिए कौन दोषी हैं, इसके लिए पुलिस विभाग ने अपनी FIR भी दर्ज की है और जिलाधिकारी महोदय ने मजिस्ट्रियल जाँच के भी आदेश दिए हैं। इसी क्रम में हमने अभी तत्काल मौका निरीक्षण किया है और सभी तथ्यों का संकलन करने के बाद इसमें रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ। उधम सिंह नगर के गदरपुर में भूमाफिया का एक महिला के साथ धोखा करके लाखों रुपए और कई बीघा जमीन हड़पने का मामला सामने आया है।
मामला जयनगर का है, जहां एक महिला रोज थाने के चक्कर लगा रही है। महिला का कहना है कि उसके पति ने कुछ भूमाफियाओं से जमीन का सौदा किया था। सौदा 1,66,00,000 में हुआ था, लेकिन खरीदारों ने सिर्फ 42,00,000 रुपए ही दिए। वहीं खरीदार बाकी रुपए देने से इनकार कर रहा है। महिला पिछले कई दिनों से पुलिस और आला अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, वो मेरे पास कई दफ़ा आ चुकी है और मैं इसके बारे में एक दफ़ा थाने में गया था। थाने में भी हमने कहा था कि ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ है, इसका कोई इनको न्याय मिलना चाहिए। और कई आदमी लेके भी मेरे पास आई, रोती गाती भी रही हो, तो मैंने मोहन खेड़ा से भी उनके प्रधान भाई को भी फ़ोन करके कहा भी इनका निपटाओ, क्यों नहीं निपटा रहे आप इनका पैसा, गरीब आदमी का मार रखा आपने। उसके पास 1.25 एकड़ ज़मीन थी, वो भी आप खा गए हो। तो उन्होंने कहा हाँ देखते हैं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की हमारे से, ना हमारे पास है, हमने बुलाया अभी उनको 2-3 दफ़ा, नहीं आए हमारे पास। हमने कहा हम ग्राम सभा के प्रधान हैं, कल को हमें साथ चलना पड़ेगा और आप हमारी बात सुन लो और इनका निपटवाओ, जैसे भी निपटा सकते हो, वो गरीब आदमी को क्यों आप परेशान कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो पैसा दे दिया है, ये है वो है, हम देख लेंगे कर लेंगे, वो तो ऐसी भाग रही है, पैसा उसके आदमी ने लिया है और ये है वो है, ऐसे ऐसे हमारे से मतलब उन्होंने बताया। यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं सबके पास मैं दौड़ भाग गई, हमारी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। उस दिन SSP के पास बंटी आया हरीश खेड़ा, बोला कि 1,08,00,000 रुपए दे के हम इनको जमीन लिए हैं और यही हमारा खाता है, जो कुछ है यही कुछ है, अभी कोई पैसा हमें दिया नहीं है, हमारी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही सर। अब इसके अलावा हमारा मरने के सिवा कोई कुछ है नहीं, कर लूंगी और खुद बच्चों के साथ। एक महिला द्वारा और उसके पति द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि उसने कुछ ज़मीन का सौदा किया था और सौदा करने के बावजूद उसको पूरा पैसा नहीं मिला। इसमें CO कदरपुर की तरफ से जांच की जा रही है। इसमें प्रारंभिक दृष्टि तो ये पता लग रहा है कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन दाखिल खारिज दोनों हो चुके हैं और ये पुराना सौदा है, लेकिन यदि ऐसी चीज़ सामने आती है कि इसमें रजिस्ट्री हो जाने के बावजूद भी पैसा पार्टी को नहीं मिला, विक्रेता को नहीं मिला, इसकी जाँच की जा रही है। हालांकि जमीन संबंधी मामले है, लेन देन का मैटर है, फिर भी इसमें पुलिस अपनी सेंसिटिविटी के साथ इसकी जांच कर रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में आज से शुरू होने जा रहे फर्स्ट स्नूकर चैंपियनशिप को लेकर जहां आयोजकों में खुशी का माहौल है, तो वहीं बात स्नूकर गेम की करें तो यह बिलियर्ड से मिलता जुलता तो है, लेकिन खेल का प्रारूप जरा हटकर है। खेल के आयोजक रविंद्र कुमार गुप्ता ने न्यूज इंडिया से एक खास मुलाकात में कहा कि इस बार स्नूकर में इंटरनेशनल स्तर पर वे एक प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें स्नूकर में 10 रेड बॉल का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत खुशी है हमें, हमारे साथ स्पॉन्सर हमारे जुड़े और उन्होंने इस टूर्नामेंट को करने के लिए हमें सपोर्ट दी, हिम्मत दी और हम उसके बाद आगे का आयोजन कर पाए और अब उनका हमारे साथ ये भी है कि आगे भी है इसका आयोजन होता रहेगा। अब हम और कोशिश करेंगे और भी बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होते रहे, ताकि प्लेयर्स को ओपोनेंट्स भी अच्छे मिले खेलने के लिए और उनको देखने का मौका मिले, देख कर सीख के आगे बढ़े और नेशनल लेवल पे परफॉर्म आए, उनको पता चलेगा कि ऐसे टूर्नामेंट्स भी होते हैं जहाँ वो आके प्लेयर्स के साथ कम्पीट करके नेशनल लेवल पर परफॉर्म करके आगे इंडिया के लिए मेडल्स भी ला सकते हैं। उस चीज़ को हम जागरूक करने के लिए इसी के लिए ये टूर्नामेंट भी हम शुरू कराए और ये पहला स्टेप है हमारा, आगे आगे धीरे धीरे हम और बड़े टूर्नामेंट्स भी कराएंगे और पूरा मौका देंगे ताकि यहाँ के प्लेयर्स भी आगे बढ़ के उत्तराखंड का नाम रोशन करें और देश का भी नाम। एक प्लेयर के नाते मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि ये गेम देश के कोने कोने तक फैल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग यूज टू हैं चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में खेल रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मिस्टर रविंद्र गुप्ता है, मनमीत भाटिया, इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है कि गेम को सिर्फ ये जगह तक सीमित नहीं रखना है, गेम को पूरे देश में इसका प्रचार करना है, तो ये जो एक लक्ष्य इन्होंने किया है, आई थिंक एज प्लेयर्स वी आर वेरी हैप्पी। और हम लोग नैनीताल में पहले कोई टूर्नामेंट खेलने आए नहीं, मेरा तो सबसे पहला टूर्नामेंट है, बहुत खुशी वाली चीज़ है ये कि ये यहाँ पे हो रहा है। एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर या उसके बाद आने वाले ईयर्स में आई एम श्योर गुप्ता जी यहाँ पे और भी टूर्नामेंट्स करवाएंगे। उत्तराखंड में जहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, वही बात उत्तराखंड में, उत्तराखंड की करें तो पहली बार उत्तराखंड में बिलियर्ड एंड स्नूकर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। RKG इंडियन 10th रेड
फर्स्ट स्नूकर चैंपियनशिप 2018 का आयोजन किया जा रहा है, जो यहाँ पर 27 मार्च से 1 अप्रैल तक चलेगा। इसमें हमारे साथ है ऑर्गेनाइजर आरकेजी साहब, उनसे जानना चाहेंगे कि जो आप उत्तराखंड के नैनीताल में पहली बार बिलियर्ड एंड स्नूकर का आयोजन कर रहे हैं, सर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो प्रतिभाओं हैं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, उनको मंच यहाँ पर मिल नहीं पाता, पहली बार आप बिलियर्ड एंड स्नूकर का यहाँ पर एक आयोजन करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये मेरा आयोजन स्नूकर का है, इसमें बिलियर्ड नहीं है। और यहाँ के जो बच्चे हल्द्वानी में, नैनीताल में, इस पूरे एरिया में, उत्तराखंड में, उनको गेम अच्छा देखने को मिलता नहीं, तो वो गेम अपना इम्प्रूव कैसे करेंगे? जब तक वो अपने से अच्छे प्लेयर से वो गेम देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि नेशनल जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको यहाँ लाया जाए, उनका गेम कराया जाए, जिससे कि यहाँ के बच्चे उनके गेम को देख के अपने गेम को इम्प्रूव कर सकें। सर आपने एक बात कही कि पहली बार वर्ल्ड में शायद से आज तक ये हो रखा है 10 रेड बॉल यहाँ पर उसका आयोजन किया जाता है जो स्नूकर्स के हैं, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो फॉर्मेट है वर्ल्ड में, मेन फॉर्मेट है वो 15 रेड का है, और एक छोटा फॉर्मेट शुरू हुआ है जो कि 6 रेड का है। मैंने सोचा कि एक फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए जो कि बीच का हो, इट्स माइट बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि 6 रेड का बहुत छोटा फॉर्मेट है। जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट के अंदर एक टेस्ट मैच होता है जो बहुत लंबा फॉर्मेट है, एक वनडे है जो फिर भी टेक्निकल मैं उसको बेटर समझता हूँ, और एक इसी तरह से T20 है जिसको मैं समझता हूँ कि अगर लप्पा लग गया तो वो टीम जीत सकती है। तो उसी तरह से मैं कहूँगा जो 10 रेड का जो फॉर्मेट है, इट इज़ जस्ट इक्वल टू वन डे क्रिकेट, विच इज़ ए बेटर फॉर्मेट। ये थे हमारे साथ आरकेजी साहब, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, वो उन्हें एक मंच देना चाहते हैं स्नूकर के माध्यम से। स्नूकर एक वर्ल्ड फेमस गेम है और इसमें वो उत्तराखंड की खिलाड़ियों की भागीदारी करना चाहते हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट वीरेन पाल के साथ मैं सचिन जोशी, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। सितारगंज के CRL रबर फैक्ट्री में प्रबंधन की लापरवाही से एक कर्मचारी की जान चली गई। 28 वर्षीय गुरुदेव सिंह राणा नामक यह फैक्ट्री कर्मचारी की मौत मशीन की सफाई करते समय गिरने से हुई। गंभीर चोटों के चलते फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मजदूर गुरुदेव सिंह राणा को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक घंटे उपचार के बाद फैक्ट्री कर्मी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 28 वर्षीय फैक्ट्री कर्मी गुरुदेव की 3 माह पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल परिजनों और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, ये अभी सही सूचना मिली है मेरे को, CRL रबल फैक्ट्री है कोई सिंहपुर में, तो इसमें गुरुदेव सिंह राणा करके एक वर्कर है इनका, जो बता रहे कि मशीन में काम वो कर रहा था, सफाई कर रहा था, नीचे कितने से इसके सिर में चोट आई है और जिसके कारण ये प्रयाग अस्पताल में इसकी मौत हो गई है। अभी आए हैं, इसकी 5 कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के यहाँ पे लाए थे। कंडीशन थोड़ी उसकी क्रिटिकल थी, डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उसको अपना सर्वाइव करने की, या उसकी पल्स रेट और ये सब नहीं मिल रही थी, और जो बेसिक ट्रीटमेंट था और जितना अच्छा डॉक्टर कर सकते थे उन्होंने किया, बट अनफॉर्चुनेटली उसको हम लोग वर्कर को सेव नहीं कर सके लाइफ हॉस्पिटल। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है डॉक्टर से कि उसकी डेथ हो गई है, आगे की पुलिस और ये सब कार्रवाई हो रही है। रबड़ बनती है CRL कंपनी में। कैसे हादसा हुआ? ये सुबह का ड्यूटी गया था घर से, अभी जैसे अचानक वहाँ से आया, वहाँ से फ़ोन आया करके कंपनी से कि करके वो मशीन से मतलब ऊपर से सफाई कर रहा होगा, तो मशीन से ऊपर नीचे गिरा, तो उसके बाद फिर वो लोग यहाँ प्रयास हॉस्पिटल में लेके आए, तो यहाँ अभी तक एडमिट था, तो अभी डॉक्टर ने बताया वहाँ से करके भी। उत्तराखंड के रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले की बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारियों को 3 माह से वेतन न मिलने के चलते उनका रोष अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। परिवार के सामने रोटी की समस्या पैदा होने के चलते कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर जमकर हंगामा किया, साथ ही प्रधान प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया। बद से बदतर हालत में पहुंची चीनी मिल अपनी अंतिम सांसें गिनती दिखाई दे रही है। असल वेतन मिलने न मिलने का मेन कारण है कि लास्ट ईयर हमारे जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, कुल 77 दिन फैक्ट्री चली थी लास्ट ईयर, मतलब 16-17 में, 17-18 में बहुत अच्छा हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया, लेकिन लास्ट ईयर चीनी ना होने से हमारी लिमिट जो है 90 करोड़ का अप्लाई किया था, 64 करोड़ ही सेंक्शन हो पाई। चीनी के दामों में कमी के कारण ये हो नहीं पा रहा भुगतान, शासन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अब शासन में भी बार बार ये कहा जा रहा है कर रहे हैं लेकिन वहाँ से कुछ
खास सही आश्वासन मिल नहीं पा रहा। अब एक्टिविटी हम लोग तो यही कर सकते हैं, शासन से प्रयास ही कर सकते हैं। हम लोगों ने शासन प्रयास भी बहुत किया, सेक्रेटरी स्तर पे, मंत्री जी के स्तर पे हम लोगों ने प्रयास बहुत किया, लेकिन कोई सफलता वहाँ से मिल नहीं पा रही है। कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कर रहे हैं। जिस तरह से भाई साहब जीएम का देखिए आरोप इसलिए नहीं सही है क्योंकि जीएम ने तो पूरे प्रयास किए। अब जहाँ 30-32 करोड़ है, जीएम नहीं कर सकता ना सीए कर सकता। प्रबंधन द्वारा विगत 6 माह से श्रमिकों के ड्यूज, वेतन, सीजनल कर्मचारियों का रिटेनिंग अलाउंस, बोनस कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि मजदूर आज भूखमरी के कगार पे है। मजदूरों के घर जो है तमाम सारी समस्याएं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। मजबूर होकर के मजदूर को जो है आज ये आंदोलन का कदम उठाना पड़ा है। गन्ना मूल्य का निर्धारण सरकार करती है, चीनी के मूल्य का निर्धारण सरकार करती है। हमारा काम है गन्ने से चीनी बनाना। हमारे मजदूर ने रिकॉर्ड पैदावार, चीनी की पैदावार करते हुए लगभग 3.5 लाख बोरे इस साल बनाए, जो कि विगत 6-7 वर्षों से नहीं बने थे। तो मजदूर ने तो अपना काम कर दिया। अब चीनी का रेट अगर कम हो रहा है मार्केट में या गन्ने के रेट आप बढ़ाते। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पनप रही गंदगी के खिलाफ व्यापारी और आम नागरिक मुखर होने लगे हैं। सिलथाम चौराहे पर लोगों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और गंदगी से निजात दिलाने की मांग की। गौरतलब है कि मुख्य मार्ग पर जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए शौचालय का निर्माण करवाया था, लेकिन नाली की समुचित व्यवस्था न होने के चलते शौचालय की गंदगी सड़क पर बह रही है, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। कारण केवल यह है, पहली बात तो मैं जिलाधिकारी महोदय को दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ पे को शौचालय उपलब्ध करवाया हमें, लेकिन शौचालय की जो निकास है वो मेन नाली में जा रही है और नाला यहाँ पे ओपन है, जिस कारण से बदबू का यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे लोगों का आना जाना। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे नाली यूम पाइप लगाया जाए ताकि ये पानी सीधे नीचे निकास हो और गर्मी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप Twitter पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। Facebook पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।